हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे कैप्सिकम और आलू की सब्ज़ी। ये हमने लिए आलू 2 से 3 मीडियम साइज के, और 4 हमारे पास थी शिमला मिर्च। सो हमने इनको आलू को पहले छीला, उसके बाद अच्छे से वो किया, फिर कट किया। और ये शिमला मिर्च है, इसको भी कट किया। ये हमारे पास प्याज है, और ये हमने लिए सौंफ, और बाकी हमारे मसाले होंगे जो हम नॉर्मल सब्जी में यूज करते हैं। वो कुकर लिया और इसके अंदर हमने ऑयल डाला। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमारे पास सौंफ है उसको, साथ में जो कटी हुई प्याज है उसको, और चला देंगे, काटा पकाएंगे। जब तक प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब तक, ज़्यादा जलाना नहीं है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो कटे हुए आलू हैं उसको, और जो शिमला मिर्च है हमारे पास उसको। आलू और शिमला मिर्च जो है वो कुकर के अंदर आ चुके हैं, गैस का फ्लेम लो पे कर दिया, और इसको हम ऐसे ही चलाएंगे विदाउट मसाले के 1 मिनट के करीब। हमें इसको ऐसे ही चला लेना है। आलू को बॉईल करके भी इसमें डाल सकते हैं, कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं, कुकर में भी बना सकते हैं, आप कैसे भी इसको बना सकते हैं। डाल देंगे मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसमें मिला देंगे अच्छे से। मसाले को इसके अंदर मिला दिया है, पानी हम ज़रा भी यूज नहीं करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 1 सीटी दिलाएंगे, और जो गैस है इसकी, कुकर का जो प्रेशर है उसको तुरंत निकाल देंगे। अभी ढक्कन लगा देते हैं। एवरीवन, हमारी जो शिमला मिर्च और आलू हैं वो बनके तैयार हैं। हमने 1 सीटी लगाई थी और प्रेशर हमने तुरंत निकाल दिया। जब ये बनके तैयार हो जाए प्रॉपर, तब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हो, बट मैंने टमाटर का यूज़ नहीं किया क्योंकि टमाटर डालने से इसके अंदर पानी हो जाता है तो ये खाने में अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने यहाँ पे नींबू डाला है। आप अमचूर भी डाल सकते हो। सो अब हम इसको किसी बाउल में निकालेंगे, और आप देख सकते हैं कुकर के अंदर भी जो हमारी सब्जी है वो बिल्कुल भी नहीं लगी है। और हमें इसके अंदर 1 सीटी इसलिए लगाई थी क्योंकि जो शिमला मिर्च है उनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। और आलू को भी, क्योंकि ये दोनों अलग अलग नज़र आने चाहिए तभी खाने में अच्छी लगती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, हैव अ गुड डे।